आइए सवाल को देखते हैं। द एक्सपेंडिचर एंड इनकम ऑफ राजीव आर इन द रेशियो ऑफ 5:8। आफ्टर सम टाइम इनकम ऑफ राजीव इज इंक्रीज बाय 20%, बट एट द सेम टाइम हिज सेविंग्स ऑल्सो इंक्रीज बाय 1/3%। फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज हिज एक्सपेंडिचर। ठीक है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर और इनकम का रेशियो दिया गया हुआ है राजीव का। फिर बताया गया है कि उसकी इनकम है 20% इंक्रीज हो गई है और उसका सेविंग्स भी इतना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है। हमें बताना है कि एक्सपेंडिचर में क्या बदलाव आया, कितने परसेंटेज का। तो आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ, इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। यहाँ पे दिया गया है रेशियो हमें इसका, इनिशियल जो एक्सपेंडिचर और इनकम था 5:8 का है। तो 5 किसके लिए है? एक्सपेंडिचर के लिए, 8 जो पार्ट है इनकम के लिए है। हम इसको इनकम को यहाँ लिख लेते हैं और एक्सपेंडिचर को यहाँ, इसी को डिनोट करा 5:8 है, लेकिन हमने इसको उल्टा लिख लिया, 8:5। ठीक है, इनकम 8 है, एक्सपेंडिचर 5। इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके 80 बना लेते हैं, 50 बना लेते हैं। ठीक है, इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतना है, तो सेविंग्स कितनी होगी इसकी? इनकम में से आपका एक्सपेंडिचर हो जाता है ख़त्म, तो सेविंग्स बचती है 30 रुपीज़। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 20% इंक्रीज़ हुआ है किस में? इनकम में। इनकम बढ़ गया है 20%, 80 का 20% आप निकालेंगे तो कितना आएगा? 16। ठीक है, 1/5 निकालेंगे तो इसका कितना आएगा? 16 आएगा। तो 16 रुपीज़ बढ़ गई है इसकी इनकम, तो कितना हो गया? 96। ठीक है, अभी क्या है, सेविंग्स भी इसकी बढ़ गई है। सेविंग्स कितनी बढ़ गई है? 3 1/3%। ठीक है, 30 का 3 1/3% निकालना है आपको, 3 1/3%। इसको आप प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 10/300% को हम ऐसे लिख लेते हैं, 30 का है ना, ये दोनों जीरो काट देते हैं, 3 से 3 कटा तो कितना बचा? 1। 30 में कितने का इंक्रीज हुआ है? 3 1/3% कितना है? 1 है। तो सेविंग्स कितनी बढ़ी है? 3 1/3%, तो कितना बढ़ा है? 1 रुपये बढ़ा। तो मीन्स कितना हो गया? 31 हो गया। अब इसकी एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर क्या होता है? इनकम में से आप सेविंग्स को घटा दो, तो 96 में से 31 को आप घटाओगे तो इसका कितना आ जाएगा? 65 एक्सपेंडिचर नया आ जाएगा। अभी हमें बताना है कि पुराना एक्सपेंडिचर था और नया एक्सपेंडिचर था, उसमें कितने परसेंटेज का बदलाव आया है। तो आपका कितना, आप देख सकते हैं कि 15 का बदलाव आया है, 50 से 65 हुआ, कितना बढ़ा? 15 बढ़ा। कितने से बढ़ा? ओल्ड वाले से, 50 से। इसको आप 100 निकाल दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, 2 टाइम्स में कट जाएगा, 30%। आपका आंसर 30% इंक्रीज़ है, ठीक है, एक्सपेंडिचर में। ठीक है, आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ठीक है, तो आपका ये आ गया 30% आंसर।